सामने देख पा रहे हो इतना ब्लू पानी, मालदीव हो गया, थाईलैंड हो गया, उसको टक्कर दे सकता है, इतना ब्लू पानी है, शानदार है और भीड़ भी कम है। अरे ये कौन बैठा है पेड़ पे, ये क्या है भाई? हैं, 1000 रुपये में आपको स्नोरकेलिंग फ्री देता है। इसके अलावा एलिफेंट बीच में लोग इसलिए जाते हैं कि वाटर एक्टिविटीज कर सके। अभी बस सब ट्रेनिंग और सब हमारी हो गई है स्कूबा डाइविंग की। 15 मिनट की ट्रेनिंग चली है जिसमें हमें बताया गया कि ये जो लाइफलाइन है नीचे आपके, क्योंकि ऑक्सीजन ये मुंह के अंदर डालना रहता है। होटल से आज हमने अर्ली चेकआउट किया ना, सुबह 6 बजे, जिसके कारण उन्होंने हमको पैक ब्रेकफास्ट बना के दिया। कल शाम को ही हमने रिसेप्शन में बोल दिया था कि पैक ब्रेकफास्ट देना, उन्होंने कहा ठीक है, तो सैंडविचेस दे दिए, बनाना दे दिए, एप्पी जूस दे दिया, बिंगो चिप्स दे दिया, मतलब फेयर इनफ है ना। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में अंडमान सीरीज के। आज हमारा तीसरा दिन है अंडमान ट्रिप का, और आज हम पोर्ट ब्लेयर को अलविदा कह के जा रहे हैं स्वराज द्वीप, जो कि आपने हैवलॉक आइलैंड सुना रहेगा, आज की तारीखों में कहा जाता है उसे स्वराज द्वीप। और क्रूज में जाने वाले, जी नहीं ये नहीं, जो वो आ रही है ना येलो और प्लस ब्लू, वो वाली शिप में। अगर टिकट की बात करूँ तो हमने तो महाराजा ट्रैवल से बुकिंग की है, जैसे कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा ही है, तो पूरा अंडमान ट्रिप जो कि बहुत ही बढ़िया जा रहा है। एक और मैं आपको बता दूँ इन्फॉर्मेशन, अगर आप खुद से भी आते हो और अगर फेरीज वगैरह बुकिंग करनी है ना, तो bookmyboat.com, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ आपको, ताकि के अगर जब भी आपको फेरीज अंडमान में बुकिंग करनी है तो आप bookmyboat.com से इजीली बुक कर सकते हो। वो भी ऑथेंटिक वेबसाइट है, अंडमान के लोगों की ही वेबसाइट है। वैसे बता दूं कि हर बोट हर क्रूज की सीटें अलग होती है, डिस्क्रिप्शन सीटों का अलग होता है। जैसे कि ये वाली नॉटिका वाली है ना, तो इसमें नीचे है लग्जरी और ऊपर है रॉयल, ठीक है। दोनों के रेट्स भी अलग होते हैं, ऊपर 1950 रुपये के आसपास रेट है और नीचे 1750 के आसपास रेट है। इस तरफ आपके लगेज ये लोग स्टोर कर लेंगे, जैसे ही आप उतरोगे स्वराज द्वीप में तो आपको वापस दिए जाएगा। जाहिर सी बात है, लगेज तो यार देंगे ना, मैं भी क्या बता रहा हूँ आपको। गुड आफ्टरनून, थैंक यू। भाई जी को मैंने ऐसे ही पूछा कि ये भाई टी कॉफ़ी की मशीन है आई नो, बट गर्म पानी अगर किसी को चाहिए तो आप ऐसे ही दे दोगे? इन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी अगर मांगे गर्म पानी तो हम ऐसे ही दे देंगे। तो ये बहुत खूब, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में ही ऐसे होता है, इंडिया में बहुत कम जगह होता है, लेकिन अगर आप ऐसे सुविधा देते हो तो ये बढ़िया बात है, बढ़िया बात है ये। फिर मेरे को क्रूज का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस लगता है ये ब्रिज, जहाँ से मतलब कैप्टन साहब देख सकते हैं और ऑफ कोर्स क्रूज को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाएं की तरफ, बाएं की तरफ, आई मीन क्रूज को चला सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो ये रहा इस नॉटिका क्रूज का, और आप भी मिस्टर स्टालिन जी, राइट? स्टालिन बाबू, वी आर डूइंग राइट नाउ 22 नॉट्स, बट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इवन 27 अप टू। ओके, जैसे कि ये जो येलो येलो डॉट्स है, मतलब वो दो वेसल्स है, वो रही सामने छोटी वाली फिशिंग वेसल है। ओके, ये जो भी येलो दिख रहा है आपको, हाँ, ये पूरा लैंड है, ये पूरा लैंड है, ये वो रहा सामने वाला, ये पूरा हैवलॉक, दिस इज हैवलॉक। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक आइलैंड में। इनफैक्ट प्रॉपर्टी में चेक इन वगैरह करके तैयार भी हो चुके हैं, अब हम निकलेंगे स्कूबा डाइविंग करने। जी हाँ, आज ही के दिन हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। बेसिकली हैवलॉक में हम 2 रात रुक रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में जो आपने देखा है,
इसमें हम एक रात रुक रहे हैं आज की रात, और कल ना हम दूसरी जगह रुकेंगे। इसका कारण ये कि हैवलॉक आइलैंड में ना जो फेरी टर्मिनल है वहीं पे मार्केट प्लेस है, और वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है जहाँ हम उतरे हैं। बेसिकली वहाँ से हम 12 किलोमीटर दूर यहाँ राधा नगर बीच के एरिया में आए हैं, और राधा नगर बीच अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ मैगजीन ये एशिया का टॉप बीच है। तो मैंने सोचा कि एक रात यहाँ पे रुकेंगे, इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, राधा नगर बीच का एक्सप्लोर करेंगे, और कल मार्केट प्लेस पे जहाँ पे वीगन रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, आप कह सकते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे लोग वहीं पे रुकते हैं लगभग। तो उस हिसाब से मैं आपको गूगल मैप्स में दे देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा बेसिकली कि राधा नगर बीच जो इस वक्त हम कहाँ है, और जो मैं बात कर रहा हूँ फेरी टर्मिनल जहाँ से हम उतरे या फिर जहाँ से हम वापस फेरी पकड़ के नील आइलैंड परसू जाएंगे, तो वो बेसिकली कहाँ पे है। भाई जब जब होटल रूम में रहता हूँ, आई मीन बाहर घूमना फिरना होता नहीं है ना, तो रेस्ट तो करता ही रूम में, लेकिन साथ ही साथ अमेजिंग शोज, अमेजिंग वेब सीरीज देखने का भी बहुत शौक है। तो अभी फिलहाल मैंने अमेजॉन मिनी टीवी लगाया है जिसमें अमेजिंग से शोज है बहुत सारे न्यू। ये अभी एक है चीयर अप जो काफी इंटरेस्टिंग है, कोरियन शो है लेकिन हिंदी में डब्ड है, और ये चीयर अप सीरीज बेस्ड है स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ पे, तो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है। फिलहाल मैं हूँ एपिसोड 2 में। मेरे को पर्सनली ये सीरीज काफ़ी बढ़िया लग रही है, मतलब एपिसोड 1 कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला, एपिसोड 2 भी अभी खत्म हो जाएगा, पूरा सीरीज को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि जिसको कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ पसंद है या जो कॉलेज स्टूडेंट है ना, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा ये सीरीज। ये फर्स्ट टाइम हमारा होने वाला है एक्सपीरियंस स्कूबा डाइविंग का। स्नोरकेलिंग तो हमने बहुत बार करी है, मतलब मॉलडीव में हमने करी है, मैंने थाईलैंड में की है, श्रीलंका में की है, ना जाने कितनी बार की है। स्कूबा डाइविंग हो गया, सी वॉकिंग जो हमने कल करी थी, ये सब पहली दफ़ा हम कर रहे हैं अंडमान में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है। चलो इंस्टा 360 कैमरा भी तैयार है, देखते इससे फुटेजेस ले पाऊंगा कि नहीं आज। आई मीन 10 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए स्कूबा डाइविंग का, वरना भाई साहब ये लेके नहीं जा सकते अंदर। मैडम तो तैयार हो गई हैं एकदम, कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है इसमें? थोड़ा टाइट लग रहा है। ठीक है ना, अच्छी बात है, टाइट ही लगना चाहिए, वैसे भी हम भी हो चुके हैं रेडी, वैसे तो है ना, ये हो चुके हम स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार। ये कि इसको सूट को क्या बोलते हैं, वेट सूट। अच्छा वेट सूट भी पहन लिया है, अभी जाएंगे डुबकी लगाने। दो तरीके का स्कूबा डाइविंग होता है, एक तो ऑनशोर होता है मतलब बीच से नज़दीकी होता है, जिसमें 15 मिनट का पहले ट्रेनिंग देते हैं और फिर वहीं से डुबकी मार के अंदर आपको स्कूबा डाइव कराते हैं। दूसरी चीज़ होता है इन डाइव, मतलब आपको शोर में 15 मिनट का ट्रेनिंग तो वैसे ही मिलेगा कि आपको क्या करना है, कैसे हैंड के सिग्नल होते हैं, क्योंकि सांस मुंह से लोगे नाक बंद रहेगा और आप कुछ बात नहीं कर पाओगे, तो ट्रेनिंग प्रॉपर आपको मिलनी चाहिए। हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ता है, जैसे कि आपको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, वगैरह वगैरह, डायरिया वगैरह है ना, वो सब नो होता है तभी आपको अलाउड होता है। और इन डाइव में कैसा रहता है, फिर बोट लेके जाती है थोड़ा दूर आपको, और फिर आप बोट से कूदते हो, ऐसा बैक फ्लिप मारते हो। जब करेंगे तभी पता चलेगा, फोन वगैरह सब कुछ अंदर डाल दिया है, टेक दिया लॉकर में, ये इंस्टा 360 कैमरा लेके अभी जाएंगे, है ना। अरे हाँ, दिमाग में आपके जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है जी, दोनों का रेट अलग होता है। बिल्कुल ऑनशोर सस्ता होता है 3,500 रुपए के आसपास, और ऑफशोर जो होता है, आई मीन इन डाइव होता है जो हम करने वाले हैं, वो 5,500 रुपया प्रति पर्सन के आसपास होता है। ये अगर आपको स्कूबा डाइविंग ऑनलाइन बुकिंग करनी हो ना अच्छे रेट्स में, तो स्कूबा हॉलिक्स करके एक वेबसाइट है, जिसकी मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि के अंडमान में, हैवलॉक में या फिर कहीं पे भी आपको स्कूबा डाइविंग करनी हो तो उस वेबसाइट के दौरान आप बुकिंग कर सकते हो फॉर स्कूबा डाइविंग। चलो बढ़िया, होय होय होय, टीवी भारी नहीं होगा? भारी होगा लेकिन हल्का हो जाएगा जैसे पानी में इसके साथ कूदोगे तो। पानी में कूदेंगे तब। हाँ तो, अभी बस सब ट्रेनिंग और सब हमारी हो गई है स्कूबा डाइविंग की। 15 मिनट की ट्रेनिंग चली है जिसमें हमें बताया गया कि ये जो लाइफ लाइन है नीचे आपके, क्योंकि ऑक्सीजन ये मुंह के अंदर डालना रहता है, क्या बोलते हैं इसको, रेगुलेटर, तो ये कैसे यूज करना है, हैंड साइंस क्या है, ओके है तो ये करना है, नीचे जाना आपको लगता है कि आप ठीक हो तो नीचे, अपर जाना है तो अप करो, नॉट ओके तो ये, सारी चीज़ें बताई। और वो ट्रेनिंग बहुत मैंडेटरी होती है, जिसकी वजह से ये लोग बोलते हैं कैमरा वैमरा भी साइड में ही रखना बाबा, पहले ये सीख लेना। अभी बस बोट में जाएंगे और समंदर के बीचों बीच जाके डुबकियां मारना शुरू। कम ऑन, ओह शाबाश, आई एम द लास्ट वन टू डाइव।
पानी बढ़िया है, मस्त गरम गरम पानी है। ओए होए होए, हो गई स्कूबा डाइविंग, वंस इन अ टाइम करने वाला एक्सपीरियंस आप कह सकते हो। अंदर मरीन लाइफ प्यारी थी, न्यारी थी, कलरफुल थी। कैसा लगा रितिका मैडम, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? नाइस एक्सपीरियंस, मजा। कान वन दुखे थे बहुत, मैं तो दो बार ऊपर भी आई, पता है। कान तो यार दुखते ही दुखते भाई, क्योंकि वो प्रेशर एयर फ्लाइट में तो अभी आदत हो जाती है, तो एक दफ़ा मैक्सिमम स्टार्टिंग में थोड़ा कान में प्रेशर आता है, उसके बाद तो नहीं आता है, ना के बराबर आता है। लेकिन ये जो है ना अंडर वाटर, आप जाते हो 5 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो वैसे वैसे आपको वो करना पड़ता है प्रैक्टिस, ताकि कि आपके कान पेन ना करे। इसका तरीका यह रहता है कि सांस लो और फिर नाक बंद करो, नाक बंद करने के बाद नाक से ही सांस छोड़ने की मतलब यू नो ट्राई करो। हालांकि छूटेगा तो नहीं, क्योंकि लिए नाक बंद कर रहे हो आप, लेकिन वो जो प्रेशर है ना, जिसकी वजह से वो कान जो है आपके खुल जाएगा, आई मीन जो पेन है वो बंद होता जाएगा। ये आपको लिजर्ड दिख रही है, इसका कलर देखो आप, मतलब माय गॉड, ग्रीन रेडियम कलर है और ऊपर कुछ तो ऑरेंज कलर के मार्किंग्स भी है। अरे ये देख भी रही है इधर। ओ मैडम चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, हाँ फिर वो गाड़ी वाला आ जाएगा। ओ सर जी चलो चलो, घूमना है अभी, फिरना है, चलो चलो आ जाओ। हाँ हाँ ब्रेकफास्ट करोगे और अच्छा लगेगा, भूख लगी है ना, तो फिर मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इतना प्यारा है यार। प्रोबेबली इसलिए इसको कहते हैं एशिया का सबसे बेस्ट बीच, राधा नगर बीच हैवलॉक आइलैंड का। सच कह रहा हूँ, बहुत ही प्यारा है, भीड़ जरा भी नहीं है, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह सुबह अगर ऐसे बीच के अनुभव हो तो क्या ही कहे। पानी की बात करूँ तो 2-3 कलर के शेड्स दिख रहे हैं मेरे को, वाओ, डार्क ब्लू है आगे, फिर लाइट ब्लू है, फिर एकदम व्हाइटिश ब्लू है, बहुत ही प्यारा। हाँ जी गाइस, तो गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले तो ये बता दूँ आज हमारा डे 4 है अंडमान ट्रिप का, और हैवलॉक का दूसरा दिन है, जिसमें हम आज एलिफेंट केव एक्सप्लोर करेंगे, एलिफेंट बीच और एक काला पत्थर बीच, जो कि ये दो मेन बीच है आफ्टर राधानगर बीच टू एक्सप्लोर इन हैवलॉक आइलैंड। तो वो दोनों कवर करने से पहले हमने सोचा था कि 5-10 मिनट थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले राधानगर बीच में, क्योंकि कल तो ज़रा भी वक्त नहीं मिला था, स्कूबा डाइविंग के बाद ऐसे हम थक गए थे कि होटल जाके सो ही गए थे, डिनर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करके। फुल मौज में हाँ भाई। तो इस वक्त गाइस हम आ चुके हैं काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच जाने का पहले से प्लान था, लेकिन फिर कभी कभी ना ड्राइवर साहब की भी बात सुननी पड़ती है, बिकॉज वो लोकल से थे, उनको ज़्यादा पता रहता है कि ये जो सनलाइट है ना, ये जो अभी क्लाइमेट है अभी के टाइम पे, आप इधर ही आओ ताकि कि आपको अच्छा सा व्यू मिले, एकदम क्लियर क्रिस्टल वाटर देखने मिले सनलाइट की वजह से, जिसकी वजह से हमने सोचा कि जो मर्जी, आखिर वो भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, पहले किधर भी लेके जाओ हमको क्या है ना। तो हम आ चुके हैं काला पत्थर बीच। ये ऐसे कलर का पानी आपको इंडिया में सिर्फ दो जगह मिल सकता है, एक लक्षद्वीप जो मैं जा चुका हूँ, और ये के अंडमान आइलैंड्स में, जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो, इतना ब्लू पानी मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया, उसको टक्कर दे सकता है, इतना ब्लू पानी है, शानदार है और भीड़ भी कम है। अरे ये कौन बैठा है पेड़ पे, ये क्या है भाई, है सबसे मीठा होता है, बढ़िया है, कितने का है, 50 का, उधर तो 30 का मिल रहा था, अच्छा 50 का है, ठीक है, पतली मलाई और पानी मीठा पानी, हाँ ये सब भरपूर आना चाहिए, एक ही देना, हाँ हाँ ये मैडम वरना गुस्सा करेगी, हाँ बहुत, हाँ जी स्ट्रॉ डाल दो वरना ये मैडम पूरी भीग जाएगी नारियल पानी से, ऐसा हाँ ऐसा पिएगी तो। हाँ पहले इंजॉयमेंट बाद में पेमेंट, वाह 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 वाह, लो पियो इंजॉय करो पहले, मीठा है ये काला पत्थर बीच, इधर से लेके इतना ही है बस, इतना ही आगे भी है आप लोग का बैठने का घर है, अच्छा घर वर है, सब सेफ्टी है, अच्छा वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, बढ़िया है, अच्छा डस्टबिन वगैरह, हाँ सब कुछ है और क्लीनलीनेस भी बहुत है, पुलिस प्रोटेक्शन भी है, वाह वाह वाह। और ये हैवलॉक में लोकल्स कितने रहते हैं टोटल, टोटल
10,000 अबव 10,000 लोकल, और उसमें से मैक्सिमम लोग बंगाली से, आई मीन बंगाल से आए हुए हैं। 90% बंगाली। ओए होए होए, बढ़िया। वैसे दुकानों पे कोई नाम नहीं है, कोई भी जितनी भी दुकानें हैं सोवेनियर नारियल पानी ऐसा स्नैक्स की, किसी पे नाम नहीं है। होटल में है बागची ढाबा। बागची ढाबा, अच्छा ढाबा है आगे। ओहो बढ़िया है, ढेर सारी आपको दुकानें मिल जाएगी कपड़ों की, स्नैक्स की, इसकी उसकी, आई मीन देख लो किसकी किसकी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रात हम वो राधानगर बीच साइड रुक रहे हैं, और जो सेकंड रात है वो हम हैवलॉक में मार्केट एरिया में रुकेंगे, जो कि हम सोचे कि एलिफेंट बीच जाने से पहले रास्ते में ही आ रहा था, तो एटलीस्ट लगेज वगैरह यहाँ पे टेक दे, यानी कि रख दे यहाँ पे। हाँ यहाँ पे माँ बोट, ठीक है माँ, मस्त नाम है। 1,000 रुपया प्रति पर्सन की टिकट रहती है एलिफेंटा बीच यहाँ से लेके जाती है, और 3 घंटे बाद वापस वही फेरी बोट आपको एलिफेंट बीच से ये जेटी पे लेके आएगी, ठीक है। 1,000 रुपये में आपको स्नोरकेलिंग फ्री देता है। इसके अलावा एलिफेंट बीच में लोग इसलिए जाते हैं कि वाटर एक्टिविटीज कर सके। ये रिजर्व फॉरेस्ट है जिसके कारण हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो बोलूँ रिजर्व फॉरेस्ट है क्यों, हर जगह आपको कचरा तो फैलाना ही नहीं है, डस्टबिन में ही डालते रहना है। बता दूँ यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, मतलब भाई साहब एयरटेल हो कि जियो हो कि कोई भी हो, कोई नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, ये रिजर्व फॉरेस्ट है इसलिए। और बता दूँ टॉयलेट का भी 10 रुपीज़ चार्जेस है, चाहे जेंट्स हो कि वुमेन के लिए, दोनों के लिए। लॉकर 100 रुपीज़ का चार्जेस है बस इस हिसाब से, बाकी तो आप किधर भी बैठ सकते हो जितना मर्जी, वो सब फ्री है। अच्छा यहाँ पे अगर खाने पीने की बात करूँ ना, तो जितनी भी MRP वाली चीज़ें उसका डबल रेट है यहाँ पे, तो मेहरबानी करके पानी की बॉटल वगैरह तो एटलीस्ट लेके आना। फॉर एग्जांपल 10 रुपये के टेट्रा पैक जो भी है वो 20 रुपये के है, और पानी की बॉटल जो 2 लीटर की है 35 रुपीज़ की, वो या 70 की मिलती है। हालांकि पानी की बॉटल 1 लीटर आधा लीटर तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ 2 लीटर ही मिलता है जहाँ तक मैंने अंडमान में ये देखा है तो। और अगर चाट्स की बात करूँ, खाने पीने की बात करूँ, तो जैसे कप नूडल्स हो गया, पापड़ी चाट मिल जाएगा, भेलपूरी मिल जाएगा, आई मीन वो सब चीज़ें मिल जाएगी। अच्छा 60 का है, और पापड़ी चाट, अच्छा पापड़ी चाट 100 का है, भेल 60 का है। टमाटर इसके नीचे है क्या, कोतमीर के नीचे? अच्छा टमाटर है, ककड़ी है, और अनियंस है, धनिया पत्ती भी है, नींबू भी है, बढ़िया है, चटनी भी है, नमक भी है, सब घर का बना हुआ चीज़। अच्छा हाँ बढ़िया, शुक्रिया। हूबहू इस जगह को देखकर मुझे याद आ रही है पत्ताया के कोरल आइलैंड की। अब आप बोलोगे कि पानी साफ है इसलिए, वाटर एक्टिविटीज है इसलिए, नहीं जी वहाँ पे भी जो कोरल आइलैंड टूर जब भी आप करोगे पत्ताया के, 75% क्राउड आपको इंडियंस ही मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे तो 98% क्राउड इंडियंस के है, सिर्फ 1-2% फॉरेन के है, लेकिन वहाँ पे भी आपको भरपूर इंडियंस मिलेंगे, जिसके कारण इंडियन क्राउड, पानी इतना साफ है ना, और वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह। तो हूबहू आपको कोरल आइलैंड अगर आप गए हो ना, तो यहाँ पे जब आओगे एलिफेंट बीच पे आपको याद आ जाएगी। वाओ हार्ट का शेप भी बना रही है, मतलब अलग अलग शेप बना रही है ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ, बहुत खूब। कितने नज़दीक आ जाती है सतह पर, तो कितना प्यारा लगता है, मतलब सब लोग देख सकते हैं, और पानी साफ हो तो क्या ही कहना। आज 3 बीच देख लिए, पहले कहाँ गए थे राधानगर बीच, उसके बाद काला पत्थर बीच, और अभी एलिफेंट बीच। अरे वाह, एक दिन में 3-3 बीच देख लिए, मजे है तुम्हारे यार। बोट आ गई, अभी बस बैक टू हैवलॉक जेटी चले जाएंगे अभी। चलो भाई जी अभी पहुंच गए फाइनली अपने होटल में, नए वाले होटल में। कल यहाँ से भी चेकआउट होके चले जाएंगे नील की तरफ, नील आइलैंड, जो कि यहाँ से फेरी में 1 घंटा लगाएगी। एनीवेज हमारा रूम नंबर है 105। अभी शाम के 7:30 बज गए, मैंने मैडम को बोला कि आप तैयार हो जाओ, क्योंकि हम जाएंगे अभी डिनर करने, अभी डिनर करने जा रहे हैं, बस मैंने मैडम को इतना ही बोला है, और आप लोगों को भी अभी इतना ही बोल रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा अपना वही रेगुलर डिनर है ना। किधर लेके जा रहे हैं? अरे इनका रेस्टोरेंट आ गई है भाई, ये होटल का रेस्टोरेंट आ गई है, उधर ही लेके जा रहे हैं, टेंशन क्या ले रही हो। कैंडल लाइट डिनर सरप्राइज फॉर यू, हाँ हाँ।
मालदीव्स के टक्कर का है, सच कह रहा हूँ, जिसके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है या फिर मालदीव्स के लिए इतना बजट नहीं है तो अंडमान बिल्कुल आ सकते हैं। हालांकि अंडमान भी इतना सस्ता नहीं है, लेकिन मालदीव्स जितना या फिर फॉरेन जितना इतना महंगा भी नहीं है, काम हो जाता है। और इंडिया का इंडिया तो फिर खाने पीने की वगैरह इतनी तकलीफ होती नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। और गवर्नमेंट को भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट्स लाना चाहिए ताकि कि अंडमान की इंडिया की टूरिज्म और बढ़ सके। फॉर एग्जांपल ये ना थाईलैंड वगैरह से नज़दीक है ये अंडमान, तो हो सकता है कि थाईलैंड का क्राउड, जो भी दुनिया भर से टूरिस्ट जाते हैं थाईलैंड बैंकॉक, वो यहाँ पे डाइवर्ट हो सकते हैं फॉर वाटर एक्टिविटीज़, फॉर वाटर लाइफ, बीच लाइफ, और थोड़ा बहुत ही अगर यहाँ पे नाइट लाइफ करे, थाईलैंड जितना नहीं, एटलीस्ट गोवा जितना भी नाइट लाइफ करे ना यहाँ पे, तो अच्छी खासी दुनिया भर से क्राउड अट्रैक्ट होके यहाँ पे आ सकती है अंडमान में, जो कि ये डिजर्व भी करता है अंडमान। ऑलराइट गाइज, ये हम आ चुके हैं बैक टू अपने होटल में, अभी सो जाएंगे, कल नील आइलैंड की तरफ निकल जाएंगे। कैसा लगा कैंडल लाइट डिनर? बहुत सुपर्ब था, बहुत अमेजिंग था। आई होप आपको ये वीडियो काफी सुपर्ब लगा रहेगा, अमेजिंग लगा रहेगा, बिकॉज इस वीडियो में हमने हैवलॉक के दोनों दिन पूरे कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने स्कूबा डाइविंग की कल और आज कैंडल लाइट डिनर किया, और जाहिर सी बात है अदर अट्रैक्शंस भी कवर किए, राधानगर बीच हो कि एलिफेंट बीच हो या फिर हो काला पत्थर बीच, तो काफ़ी चीज़ें देखी है, काफ़ी चीज़ें अनुभव की है। नेक्स्ट वीडियो जो आखिरी वीडियो रहेगा अंडमान का, जिसमें फर्स्ट वीडियो में तो आपने पोर्ट ब्लेयर वगैरह देखा, सेकंड वीडियो हैवलॉक वगैरह सब देख लिया, थर्ड वीडियो में नील आइलैंड वगैरह भी बता दूंगा, और अंत में बता दूंगा कि आपका कितना खर्चा हो सकता है एज अ कपल अगर आप अंडमान ट्रिप प्लान करते हो तो। ठीक है, तो थर्ड वीडियो जो आखिरी वीडियो रहेगा अंडमान का, वो मिस मत करना। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइज, आप भी ये चीयर अप सीरीज देख सकते हो अपने मोबाइल ऐप में, अमेजोन के या फिर लैपटॉप में, फ्री ऑफ कॉस्ट। अंदर आपको मिनी टीवी में जाना है, एंड देयर यू गो।